So hello friends, how are you? Welcome back to your favorite class NCERT classroom where you learn in the most simplified way. और जो चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है साइंस का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। ये चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप लोग जाके पहले पार्ट वन को देखिए, वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड, वहाँ से भी देख सकते हैं। सो पार्ट वन में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया था, जैसे कि इन सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर किया था। अब हम लोग का पार्ट टू स्टार्ट होता है यहाँ से, ओके। और मेरे चैनल पे और भी चैप्टर्स के वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं। और मैं क्लास 9 के भी वीडियोस डालने वाला हूँ, सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि जो न्यू चैप्टर्स मैं अपलोड करूँगा। ओके सो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर। सो चैप्टर हम लोग का जो स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट टॉपिक यहाँ से है कॉन्स्टिलेशन, ओके। सो कॉन्स्टिलेशन पहले हम लोग समझते हैं, ये समझने वाला टॉपिक है, होता क्या है कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन में क्या होता है, एक्चुअली पहले तो बहुत सारे तारे होते हैं हम लोग के आसमान में, हम लोग जानते हैं कितने अनगिनत तारे होते हैं, बहुत सारे दिखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम क्या ऑलरेडी हमारे पूर्वज लोगों ने ये कॉन्स्टिलेशन का खोज कर दिया था, हम लोग बस उसके बारे में पढ़ते हैं, उस पर और रिसर्च करते हैं। तो उन तारों के बीच में से कुछ हम लोग स्टार्स को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, उससे कोई शेप बनाते हैं, ठीक है। हम लोग को ऐसा लगता है रिलेट करते हैं किसी शेप से, जैसे मान लीजिए ऐसा कोई स्टार हम लोग को लग रहा है शायद ये कोई सर्कल शेप बना रहा है, ये कोई जानवर जैसा शेप बना रहा है या कुछ भी है। तो अगर हम लोग को लगता है कि ये किसी शेप से रिलेट कर रहा है तो उसको हम लोग कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, ओके। सो सिंपल कॉन्स्टिलेशन नहीं होता कोई बहुत स्पेशल टाइप का, वो किसी ऑब्जेक्ट से मैच करता है तो वो हम लोग कहते हैं कि वो एक कॉन्स्टिलेशन, उसका कोई नाम दे दिया जाता है। हम लोग स्टार्स से ज़्यादा ये चीज़ बादलों के साथ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब बादल होते हैं आसमान में तो बहुत सारे बादल से हम लोग रिलेट करते हैं कि ये जो बादल है वो शायद किसी जानवर जैसा लग रहा है या कोई जो है ड्रैगन जैसा लग रहा है। ड्राइंग कुछ भी मैं बना रहा हूँ बट हो सकता है हम लोग क्या करते हैं उसको मैच करते हैं कि ये किसी जानवर के जैसा लग रहा है, ये बादल का जो शेप होता है वो पहाड़ जैसा लग रहा है, अलग अलग टाइप का शेप से हम लोग रिलेट करते हैं। तो उसी टाइप का केस कुछ कॉन्स्टिलेशन के साथ भी है। कॉन्स्टिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो अलग अलग स्टार्स होते हैं स्टार्स में से कुछ स्टार्स को सेलेक्ट करके किसी शेप से हम लोग उसको रिलेट करते हैं, ओके। सो डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ, द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप That has a recognizable shape is called a constellation. So पहला क्या लिखा हुआ, stars forming a group. Stars के कुछ group होते हैं, okay? बहुत सारे stars होते हैं, उसमें से कोई group हम लोग select कर लेते हैं, 7 star का, 8, 10 जो भी है कुछ तारों का हम लोग group select कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, एक shape से recognizable shape मतलब जाना पहचाना किसी objects से, मतलब उनका शेप जो है मैच करता है, ओके। सो जैसे यहीं पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये जो है ये सात जो सप्तऋषि जिसको ऊर्सा मेजर हम लोग कहते हैं, ये क्या होता है, ये एक चम्मच के शेप का बना होता है, ओके। सी इस टाइप का जब ये कॉन्स्टिलेशन इस तरीके से बना हुआ है कि जब हम लोग इसको सामने से देखते हैं तो ये ऐसा लगता है कि शायद ये कोई चम्मच जैसा है या हो सकता है ये कोई क्वेश्चन मार्क जैसा हो सकता है, ओके। सो हम लोग क्या कर रही है, स्टार्स का जो ये कॉम्बिनेशन है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट से रिलेट कर रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। सो द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज़ अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिलेशन। एंशियंट पीपल फाउंड कॉन्स्टिलेशन रिलेटेड एंड रिलेटेड विद देम ऑब्जेक्ट्स। हम लोगों ने नहीं, हमारे पूर्वजों ने ऑलरेडी कॉन्स्टिलेशन का खोज किया था और वो लोग क्या करते थे, ऑब्जेक्ट्स इसको रिलेट करते थे, वही जो बात है। वो लोग क्या करते थे, इसका इस्तेमाल डायरेक्शन फाइंड करने के लिए करते थे, कभी कभी किस डायरेक्शन में जाना या ऐसा कुछ वो लोग इस्तेमाल करते थे। और पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा लोग स्टार्स से एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते थे, उससे फ्यूचर देखते थे और किसी का जो भी है मतलब उससे पढ़ाई करते थे, रिसर्च करते थे। तो वो लोग स्टार्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। तो मेनली हम लोग का कॉन्स्टिलेशन जो है वो किसने फाइंड किया था, हमारे एंशियंट पीपल ने। सम ऑफ़ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो फेमस कॉन्स्टिलेशन है। कॉन्स्टिलेशन तो बहुत बन सकते हैं, हम लोग खुद भी कुछ खोज सकते हैं, अपने आसमान में बना सकते हैं कि नहीं ये स्टार जो अच्छा कॉन्स्टिलेशन का ये एक क्या कह सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो अपना शेप चेंज नहीं कर, ये नहीं हो सकता कि ये जो तारा है आज यहाँ है एक सेकेंड,
ये नहीं कह सकते कि ये तारा आज यहाँ था, अगले दिन यहाँ चला गया। ये शेप ऐसा नहीं है कि ये जो है अपना शेप मेंटेन करता है, ये नहीं है कि अपना शेप चेंज कर दे। तो आप भी छत पे जाके कोई न्यू कॉन्स्टिलेशन फाइंड कर सकते हैं। सो ये बट कोई जो मेजर कॉन्स्टिलेशन जो बहुत ज़्यादा फेमस है, आसानी से दिख जाते हैं और उनका शेप कुछ इंटरेस्टिंग सा है, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सो फर्स्ट हम लोग का सबसे फेमस आता है उर्सा मेजर। उर्सा मेजर को बहुत सारे नाम से हम लोग जानते हैं, जैसे कि द बिग डिपर, द ग्रेट बियर और द सप्तऋषि। इसको तीन चार नाम से जानते हैं, बिग डिपर, ग्रेट बियर या सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। ओके, इट कैन बी सीन ड्यूरिंग समर टाइम। इसको हम लोग नॉर्मली सिर्फ समर के टाइम में, गर्मी के समय में देख सकते हैं, ठंडे के समय में नहीं दिखता है, ये अपोजिट साइड चला जाता है। सेवन स्टार्स अपीयर्स लाइक अ बिग लैडल और क्वेश्चन मार्क। इसमें टोटल कितने स्टार्स होते हैं काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सेवन स्टार्स से ये कॉन्स्टिलेशन बनता है। एंड इट लुक्स लाइक द शेप ऑफ अ क्वेश्चन मार्क और अ बिग लैडल। बिग लैडल मीन्स एक किसी बड़े चम्मच जैसा दिखता है। ओके, सो उर्सा मेजर में कितने स्टार्स होते हैं, सेवन स्टार्स होते हैं। इसको हम लोग और भी नाम से जानते हैं, बिग डिपर, ग्रेट बियर, सप्तऋषि, सेवन स्टार्स। अच्छा, आप लोगों को नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, या टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर भी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, या आप यहां से राइट डाउन भी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो पॉज करके। ओके, इट मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अच्छा, ये जो ये पूरा जो ये कॉन्स्टिलेशन है, हम लोग को क्या लगता है ये मूव कर रहा है। ओके, जैसे आसमान है हम लोग का, कभी आसमान में ये देखते होंगे, लग हम लोग यहाँ पे खड़े लगता है चांद इधर है, कभी बहुत देर बाद लगता है इधर। उसी तरह से ये जो कॉन्स्टिलेशन है, ये लगता है कभी यहाँ है, कभी यहाँ चला जाएगा, तो ये मूव करता है। तो बट मूव किस डायरेक्शन में करता है, ईस्ट से वेस्ट में। ओके, और ईस्ट से वेस्ट में क्यों मूव करता है, क्योंकि हमारा अर्थ किधर मूव करता है, वेस्ट से ईस्ट में। ठीक है, हम लोग का अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट में मूव करता है, इसलिए हम लोग को लगता है कि सूरज भी ईस्ट से वेस्ट में जा रहा है, मतलब अपोजिट लगता है। जैसे कार में हम लोग जाते हैं, इमेजिन कीजिए कि हम लोग कार में कहीं जाते हैं, ये पेड़ वगैरह रहता है, तो हम लोग कार में आगे के डायरेक्शन में जाते रहते हैं, तो हम लोग को क्या लगता है कि पेड़ पीछे छूट गया, तो हम लोग इधर जा रहे हैं तो पेड़ लग रहा है, पेड़ पौधे और सामान पीछे जा रहा है। सो हम लोग का अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट में मूव करता है, इसलिए कॉन्स्टिलेशन लगता है वो ईस्ट से वेस्ट में मूव कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इज हेल्प्स इन लोकेटिंग पोस्टर। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि हम लोग उर्सा मेजर, ये जो कॉन्स्टिलेशन, इसकी मदद से हम लोग पोलस्टार को लोकेट कर सकते हैं। ओके, सो जो इसका ये जो एंड वाला, ये जो ये चम्मच की तरह इस तरह से फॉर्म कर रहा है, ये जो एंड का ये जो दो स्टार है, इसको अगर सीधे में हम लोग ले जाते हैं तो वो पोलस्टार तक पहुँचा सकते हैं, और पोलस्टार बहुत ब्राइट होता है स्टार, तो ईजिली हम लोग उसको पहचान सकते हैं। ऑल स्टार्स अपीयर टू रिवॉल्व अराउंड पोल स्टार। अच्छा, पोल स्टार का एक खास बात यह है कि वो पोल स्टार जो है अपने पोजिशन पर रहता है, पोल स्टार मूव नहीं करता है, क्योंकि अर्थ जो है एकदम पोल स्टार जो है अर्थ के एकदम एक्सेस पे होता है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रूरी है। जैसे ये मान लीजिए अर्थ है, हम लोग का अर्थ हम लोग जानते हैं कि ये ऐसे ऐसे राइट नहीं घूमता, ये थोड़ा सा टिल्टेड एक्सेस पे घूमता है, मतलब इस तरह से टेढ़े होकर घूमता है, लाइक दिस। सो इसका जो एक्सिस है, इसी से सीधे अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग का पोल स्टार है, सो जब अर्थ ये मूव करता है तो पोल स्टार लगता नहीं है कि यहीं पे, जैसे अगर मान लीजिए कॉन्स्टिलेशन चांद सूरज और सब है, तो हम लोग यहाँ गए तो ये लगेगा इधर चला गया, मतलब और सब पोजिशन चेंज करे, बट क्योंकि ये एकदम इसके एक्सिस पे, तो पोल स्टार का पोजिशन चेंज नहीं होता है। ओके, इसीलिए लगता है कि पोल स्टार के चारों ओर बाकी कॉन्स्टिलेशन रिवॉल्व कर रहा है। पोलस्टार इज़ नॉट विजिबल फ्रॉम सदर्न हेमिस्फेयर, ये याद करने वाला पॉइंट है, पोलस्टार जो है सदर्न हेमिस्फेयर से दिखाई नहीं देता है। ओके, ये देख सकते हैं, जैसे ये पोलस्टार है तो लगता है कि ये जो कॉन्स्टिलेशन है इसके चारों ओर घूम रहा है। ओके, सो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिलेशन है वो है ओरियन। सो ओरियन के बारे में क्या खास बात है, इट कैन बी सीन ड्यूरिंग विंटर। हम लोग वो पढ़े सप्तऋषि कब दिखाई देता है हम लोग को, गर्मी के टाइम में, एंड ओरियन कब दिखता है हम लोग को, विंटर के टाइम में। मोस्ट मैग्निफिसेंट कॉन्स्टिलेशन, मैग्निफिसेंट मतलब होता है बहुत अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर। सो क्योंकि ये देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा बहुत सारे स्टार्स है, इतना सारा स्टार्स है और ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिलेशन होता है, इसलिए ये थोड़ा हम लोग को अट्रैक्टिव टाइप सा लगता है। इसमें सेवन और एट, इसका एक्चुअली ये कन्फर्म नहीं है कि इसमें सात स्टार है कि आठ स्टार है, क्योंकि बहुत सारे स्टार्स हैं, तो कुछ लोग इसको सेवन स्टार्स काउंट करते हैं, कुछ लोग इसको एट स्टार्स काउंट करते हैं। और इसका नाम, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द हंटर,
ऑल्सो नोन एज द हंटर, इसको हम लोग द हंटर के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम क्या है, एक ओरियन है, इसका एक हंटर है। जैसे सप्तऋषि के द ग्रेट बियर बिग लैडल वगैरह नाम था, इसका क्या क्या नाम है, ओरियन या तो द हंटर। सीरियस द बिगेस्ट स्टार इज द इन द स्काई कैन बी लोकेटेड बाई इट। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, सीरियस जो है हम लोग के जो आसमान है उसमें सबसे बड़ा स्टार होता है। पोल स्टार क्या होता है, सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होता है और वो अपने अर्थ के एक्सिस पे वो मूव नहीं करता है। बट सीरियस जो होता है ये स्टार क्या होता है, सबसे बड़ा स्टार होता है क्योंकि ये वो अर्थ के सबसे नज़दीक होता है। वो हम लोग लोकेट कर सकते हैं ओरियन के मदद से। तो ओरियन का ये जो होता है ना, ये हम लोग बेल्ट कहते हैं। ओके, सो दीज थ्री स्टार्स आर नोन एज द बेल्ट ऑफ द ओरियन। एंड इससे अगर सीधे में जाएंगे तो हम लोग को सीरियस दिख जाएगा। अब सीरियस सबसे ब्राइटेस्ट होता है तो उसको भी हम लोग ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सो ये इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट आता है कैसियोपिया, इसको शायद वही यही प्रोनाउंस करते हैं, कैसियोपिया या कैसोपिया, वट एवर यू से। सो इट इज़ विजिबल ड्यूरिंग विंटर, ये भी विंटर के टाइम में दिखता है। इट लुक्स लाइक डब्ल्यू या एम, अब डब्ल्यू इसका शेप क्या होता है, लाइक दिस, ऐसे। अब ये डब्ल्यू का हो या उल्टा कर दो तो ये एम, इस शेप का होता है तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं इट लुक्स लाइक डब्ल्यू या एम। डू यू नो फ्रॉम बुक, ये मैंने लिखा अपने लिए यहाँ जी, जो डू यू नो है। नोट दैट द पोल स्टार इज़ नॉट विजिबल फ्रॉम सदर्न हेमिस्फीयर, हम लोगों ने पढ़ लिया। सम ऑफ द नॉर्दर्न कॉन्स्टिलेशन लाइक उर्सा मेजर मे नॉट बी विजिबल फ्रॉम सम पॉइंट्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, बहुत सारे ऐसे भी, उर्सा मेजर जो है वो हम लोग को सदर्न हेमिस्फीयर, उर्सा मेजर मे नॉट बी विजिबल फ्रॉम सम पॉइंट्स इन द सदर्न, बहुत सारे सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग को उर्सा मेजर नहीं दी। ये सब याद करने वाला पॉइंट है, आपको मल्टीपल चॉइस में फिल इन द ब्लैंक्स में ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं। अ कॉन्स्टिलेशन डज नॉट हैव, वेट, अ कॉन्स्टिलेशन डज नॉट हैव ओनली 5 to 10 स्टार्स। इसमें कॉन्स्टिलेशन में ज़रूरी नहीं है कि 5 या 10 स्टार्स ही हों। ओके, उसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं। इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स, हाउ एवर वी कैन सी ओनली द ब्राइट, उसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं बट जो सबसे मतलब ब्राइट होता है, जो अर्थ के थोड़े ज़्यादा करीब होता है, वो हम लोग को दिखता है। सो वी कैन सी ओनली द ब्राइट स्टार्स इन द कॉन्स्टिलेशन विथ आवर नेकेड आइज, बाकी स्टार्स हम लोग को दिखते नहीं है। ऑल द स्टार्स विच मेक अप द कॉन्स्टिलेशन आर नॉट एट जस्ट द सेम डिस्टेंस, दे आर जस्ट इन द सेम लाइन ऑफ साइट इन द स्काई। ओके, सो ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि जो स्टार्स हम लोग को दिखते हैं वो ज़रूरी नहीं हो कि वो एक ही मतलब लाइन में हो। लाइक ये नहीं जरूरी है कि ये अर्थ है, यहाँ पे एक स्टार है तो एकदम इस यहीं पे सारा स्टार मिलके कॉन्स्टिलेशन हो सकता है। ये स्टार बहुत ज़्यादा दूर हो, ये बहुत ज़्यादा पास हो, ये बहुत पास हो, ये बहुत ज़्यादा दूर, बट वो इस तरीके से शेप में आ जाता है, हम लोग को दिखता है कि वो लगता है कि कोई कॉन्स्टिलेशन बन रहा है। ये आप लोग समझ सकते हैं, सिंपल सा टॉपिक है, उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो ये हो गया कॉन्स्टिलेशन मेन तीन ही आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ था पढ़ने के लिए, हम लोगों ने वहाँ तक पढ़ लिया। सॉरी सो आगे हम लोग को जो पढ़ना है वो है द सोलर सिस्टम। ओके, सोलर सिस्टम बहुत बच्चा वाला टॉपिक है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। सोलर सिस्टम क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो हम लोग देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है इस बुक में स्पेशल, आगे एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ। सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज, दैट सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होते हैं, आसमान में जितने भी हम लोग को बॉडीज़ देखने को मिल जाते हैं, सन प्लैनेट वगैरह जो भी सामान ऑब्जेक्ट जो है वो आसमान में है, स्पेस में, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़। तो सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज़ दैट रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटी, ये शायद कुछ गलती है। ओके, ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम फॉर्म्स द सोलर सिस्टम। सो हमारे यहाँ सन नहीं होना चाहिए, सन खुद सन के अराउंड थोड़ी रिवॉल्व करेगा। सो एनी सेलेस्टियल बॉडीज, जो भी सेलेस्टियल बॉडी होते हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, क्या क्या रिवॉल्व करते हैं, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉयड्स, मीटियोर्स, ये सब हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सो ये सब जो चीज़ होते हैं ये स्पेस में अवेलेबल होते हैं और ये सब क्या करते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, ये सब हो गए सोलर सिस्टम का पार्ट, ये सब मिलके क्या बनाते हैं हम लोग का सोलर सिस्टम। अर्लियर देयर वर 9 प्लैनेट्स इंक्लूडिंग प्लूटो, नाउ देयर आर ओनली 8। सो हम लोग, आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो प्लूटो जो है एक पहले हम लोग का प्लैनेट हुआ करता था, वो शायद यहाँ लिखा हुआ, वो 2006 में जाके प्लूटो जो है उसको हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट कह दिए, मतलब वो प्लैनेट के कैटेगरी में नहीं आता है। कुछ क्राइटेरिया है जैसे यहाँ लिखा हुआ, टिल 2006 देयर वर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, प्लूटो वाज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन से सबसे दूर में प्लूटो था, और ए
IAU जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, उन्होंने कुछ क्राइटेरिया बताए कि अगर ये कंडीशन फुल करता है कोई भी प्लैनेट तो उसको हम लोग प्लैनेट कहेंगे, वरना वो प्लैनेट नहीं होगा। सॉरी, प्लूटो डज नॉट फिट दिस डेफिनेशन, इट इज़ नो लॉन्गर अ प्लैनेट। ओके, ये प्लूटो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता इसलिए वो प्लैनेट नहीं है। नेक्स्ट, सोलर सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है सन? सन के बारे में हम लोग सब जानते हैं, क्या होता है ये? एक बड़ा सा हीट का, क्या कहते हैं, बॉल ऑफ फायर है। इट इज़ अ स्टार एमिटिंग हीट एंड लाइट। हाँ सॉरी, ये तो बोला ही नहीं। सन एक्चुअली क्या होता है, ये एक स्टार होता है। अगर जैसे बहुत सारे हम लोग को स्टार्स आसमान में देखने के लिए मिलते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, सन से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। सन लगता है कि सन सबसे बड़ा चीज़ है और स्टार्स छोटे, बट असल में ये जो होते हैं ये सन से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। बट ये बहुत ज़्यादा अर्थ से दूर होते हैं, इसलिए क्या होता है, हम लोग को ये छोटा लगता है। और सन भी क्या होता है, एक स्टार ही होता है। ये सबसे क्या है, हम लोग का ऐसा स्टार है जो कि हम लोग से सबसे नज़दीक है, इसलिए हम लोग को ऐसा दिखता है। वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड लाइट, हाँ, हीट एंड लाइट टू ऑल द प्लैनेट्स। हम लोग के सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उन सबको हीट एंड लाइट कौन प्रोवाइड करता है? सन प्रोवाइड करता है। ओके, सो सन हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्या क्या प्रोवाइड करता है, हीट प्रोवाइड करता है, लाइट प्रोवाइड करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। हीट, लाइट एंड एनर्जी, प्लैनेट्स। सो नेक्स्ट हम लोग के सोलर सिस्टम के कंपोनेंट्स में क्या आते हैं, प्लैनेट्स आते हैं। सो प्लैनेट्स लुक लाइक स्टार्स। अच्छा, ये अब बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, प्लैनेट स्टार्स जैसे कब से दिखने लगे? बट ये स्टार्स के सेंस में इसलिए कहा गया क्योंकि अगर हम लोग अर्थ से देखते हैं तो शाम के समय में जैसे वीनस वगैरह ऐसे ऐसे कुछ प्लैनेट्स होते हैं, ये स्टार्स जैसे दिखते हैं। ठीक है, असल में तो ये प्लैनेट ऐसे गोल सा होते हैं और अलग अलग इनका फीचर होता है, जैसे सैटर्न है ये वाला शेप का होता है, वो डिफरेंट चीज़ है। बट से खांसी हो गया मेरे को। सो क्या कहाँ थे हम लोग, हाँ, सो जो प्लैनेट्स होते हैं उनका शेप तो होता है, बट हम लोग अर्थ से अगर देखते हैं रात के समय में तो वो लोग भी क्या करते हैं, मून की तरह, जैसे मून का क्या होता है, अपना लाइट नहीं होता, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, सन से लाइट को रिफ्लेक्ट कर, उसी तरीके से प्लैनेट का भी अपना लाइट नहीं होता, वो क्या करता है, सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वो भी स्टार्स जैसे ही दिखते हैं। पढ़ते आगे क्या लिखा हुआ, लुक्स लाइक स्टार्स, ठीक है, डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, जैसा अभी मैंने बताया, स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। रात में हम लोगों ने पढ़ा है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तारे जो होते हैं टिमटिमाते हैं, बट प्लैनेट्स क्या होते हैं, टिमटिमाते नहीं, वो जैसे वैसे ही स्टार जैसे बस दिखते हैं, तो ये उनका स्पेशल फीचर है, इसलिए हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर रात में है तो हम लोग पता कर सकते हैं, अच्छा ये स्टार है, ये प्लैनेट है। ऐसे नेकेड आई से तो उतना पॉसिबल नहीं, बट इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। एंड दे चेंज पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू स्टार्स, और ये प्लानट भी क्या करते हैं, अपना पोजिशन को चेंज करते हैं स्टार्स के साथ साथ। रिवॉल्व्स ऑन ऑर्बिट, क्योंकि अब वो अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते हैं, रोटेट करते हैं, जैसे अर्थ है, सारे प्लानट्स क्या करते हैं, रोटेट करते हैं और रिवॉल्व करते हैं, सो वो लोग हम लोग को लगता है कि अपना पोजिशन चेंज कर रहे हैं। टाइम टेकन बाई अ प्लानट टू कम्प्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अच्छा, बहुत सिंपल सा बात है, सब हम लोग जानते हैं कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं और रोटेशन करते हैं। रोटेशन मतलब होता है अपनी जगह पर घूमना गोल गोल, और रिवॉल्यूशन क्या होता है, सन के चारों ओर घूमना। सो सन के चारों ओर घूमने में एक प्लैनेट को जितना टाइम लगता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब यहाँ से घूम के वापस इस पोजिशन पर उसको आने में जितना टाइम लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। और वैसे ही पीरियड ऑफ रोटेशन भी होता है, अगर एक प्लैनेट है वो घूमना स्टार्ट किया तो वो वापस घूम के अपने पोजीशन पे जब आ जाएगा, अपने ही जगह पे वो घूम रहा है, ठीक है, लेकिन वो पूरा जब एक कंप्लीट घूम जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पीरियड ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आते हैं सैटेलाइट पे। ओके, सो सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूमता है उसको हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो किसी और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूमता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं, एनी सेलेस्टियल बॉडी
रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडी इज नोन एज सैटेलाइट। सो सेलेस्टियल बॉडीज कौन कौन से होते हैं? प्लैनेट, सन, एस्ट्रोइड्स, मीटरॉइड्स, बहुत सारे होते हैं। तो कोई भी वैसा स्पेस में होने वाला ऑब्जेक्ट जो कि क्या करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूमता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सैटेलाइट। अर्थ ऑल्सो सैटेलाइट ऑफ सन। अर्थ भी क्या करता है? सन के चारों ओर घूमता है। तो अर्थ को भी हम लोग क्या कह सकते हैं? सैटेलाइट। बट अर्थ को हम लोग क्या किए हैं, उसको एक अलग नाम दिए हैं। अर्थ क्या, किसी भी प्लैनेट को हम लोग नाम दिया है, वी यूज टर्म प्लैनेट। सो किसी भी प्लैनेट को हम लोग, है तो सैटेलाइट ही, बट उसके लिए हम लोग टर्म क्या यूज करते हैं? प्लैनेट। सो अगर क्वेश्चन पूछता है कि आर द प्लैनेट्स ऑल्सो सैटेलाइट, तो आप लोग लिखेंगे यस, प्लैनेट्स भी सैटेलाइट होते हैं, बट उसके लिए बस नाम हम लोग प्लैनेट कहते हैं, बट वो भी सैटेलाइट होते हैं। मून नेचुरल सैटेलाइट। मून क्या होता है? नेचुरल सैटेलाइट होता है अर्थ का, क्योंकि वो नेचुरली बना हुआ होता है, हम लोग बनाए नहीं है। कुछ मैनमेड सैटेलाइट्स भी होते हैं, जैसे कि ये हो गया, ये सारे सैटेलाइट्स कौन बनाते हैं? हम लोग के जो इसरो हो गए, नासा हो गए, ये लोग बना के भेजते हैं। ये लोग भी क्या करते हैं, वहाँ पे प्लैनेट्स के या सन के, या सन तो नहीं बट अलग अलग ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूमते हैं। तो ये मैनमेड सैटेलाइट हो गए, ये नेचुरल सैटेलाइट, क्योंकि नेचुरल सैटेलाइट। मून क्या है? मून को इंसानों ने नहीं बनाया, बट वो क्या करता है? अर्थ के चारों ओर घूमता है। सो इट इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट। दे आर मेनी मैनमेड सैटेलाइट नोन एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो मैनमेड सैटेलाइट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेक्स्ट है, अब देखिए, अब थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी कवर करें क्योंकि वीडियो भी लंबा हो रहा है और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में डिफाइन किया हुआ, ये आप लोग को याद करना है, नोट्स मिल जाएगा, नोट्स से याद करते जाएगा। ओके, सो मर्क्यूरी जो पहला प्लैनेट होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बुध कहते हैं हिंदी में। इट इज़ द नियरेस्ट टू द सन एंड द स्मॉलेस्ट। सबसे पास होता है सन के, सबसे छोटा होता है। इसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं होता है, मतलब मून नहीं होता, इसके पास अपना कोई भी मून नहीं होता है। डिफिकल्ट टू बी सीन ड्यू टू सन्स ग्लेयर। इसको देखना, मतलब हम लोग के लिए ऐसे तो नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट टेलीस्कोप से भी देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सन के पास है और उसका चमक बहुत ज़्यादा हो जाता है। कैन बी सीन जस्ट बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट। अगर इसको देखना है तो हम लोग दो ही समय देख सकते हैं, या तो सनराइज से तुरंत पहले, या तो सनराइज के तुरंत, सनसेट के तुरंत बाद, सूरज डूबने के तुरंत बाद, क्योंकि उस समय सूरज का रोशनी थोड़ा कम रहता है। नेक्स्ट है वीनस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? शुक्र कहते हैं। नियरेस्ट टू द अर्थ एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई। ये क्या होता है, जो वीनस प्लैनेट होता है वो अर्थ से सबसे नज़दीक होता है, नियरेस्ट प्लैनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीनस जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, इसको एकदम स्टार मार्क कर लीजिएगा, इसको ज़रूर याद करके, इससे बहुत क्वेश्चन आने का चांस है। सबसे पास अर्थ के कौन सा प्लैनेट है? वीनस। सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन है? वीनस। समटाइम्स अपीयर्स जस्ट बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट। इसी के जैसा ये भी कभी कभी, मतलब सनराइज से पहले दिखता है या तो सनसेट के बाद दिखता है, एकदम जस्ट, ठीक है। और इसको हम लोग मॉर्निंग या तो इवनिंग स्टार भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार। ये भी आपसे पूछ सकता है विच प्लैनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, वीनस। ओके, इसके पास भी कोई मून नहीं होता है। रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अपोजिट ऑफ अर्थ। अर्थ मैंने बताया वेस्ट से किस में रोटेट करता है? ईस्ट में। बट वीनस क्या करता है? ईस्ट से वेस्ट में। हो सकता है कुछ बच्चों के सवाल मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा तो नहीं है, ईस्ट से हम लोग हमेशा से सुनते आ रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट, पूरब से पश्चिम। तो ऐसा बात नहीं है, वो पूरब से पश्चिम हम लोग का सन जाता है, और सन इसलिए जाता है क्योंकि हम लोग का अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट में जाता है, और सन हम लोग का अपोजिट दिखता है, क्योंकि हम लोग का अर्थ इधर जा रहा है तो सन हम लोग का इधर दिखता है, तो सन लगता है ईस्ट से उग रहा है, वेस्ट में डूब रहा है। ओके, सो ये हम लोग देख सकते हैं अलग अलग लाइन से, सन है सबसे पहले, सन के बाद कौन सा आता है? मर्क्यूरी आता है, फिर वीनस, फिर अर्थ। ये डायग्राम है, देख सकते हैं, आपके बुक में भी दिया हुआ। नेक्स्ट थर्ड प्लैनेट कौन सा आता है हमारा? अर्थ। अर्थ के बारे में कौन नहीं जानता, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पृथ्वी कहते हैं। ओनली प्लैनेट विथ लाइफ बट लाइफ ड्यू टू स्पेशल इन्वायरमेंटल कंडीशंस। सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ पॉसिबल है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कुछ स्पेशल कंडीशंस है जो कि फुलफिल करता है ये प्लैनेट, जिस वजह से इसमें लाइफ है। कौन कौन से? प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एटमॉस्फेयर, प्रेजेंस ऑफ वाटर, एटमॉस्फेयर, ओजोन लेयर, जो भी है हम लोग में। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट जिसमें एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के साथ उसमें ओजोन लेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, टेम्परेचर। ओके,
इसका जो डिस्टेंस है सन से एकदम सही है, मतलब बहुत ज़्यादा पास भी नहीं जिससे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होता, बहुत दूर भी नहीं जिस वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता है। सो इसका डिस्टेंस एकदम अप्रोप्रिएट है। इसके पास कितने मून है? वन मून है, नहीं नहीं दो मून है। हमारे पास कितने मून है अर्थ पर? एक है या दो है पता नहीं, कमेंट करके बताइएगा आप लोग कितने मून है अर्थ पर। ओके, इट रोटेट्स ऑन अ टिल्टेड एक्सिस। अर्थ जो है सीधा सीधा वो नहीं घूमता, ये क्या सीधा नहीं घूमता, ये कैसे घूमता है? टिल्ट हो गया, ये थोड़ा सा टिल्टेड एक्सिस पे घूमता है। चेंजेस सीजन ऑन अर्थ, अच्छा ये टिल्टेड एक्सिस पे घूमता है इस वजह से क्या होता है अर्थ पे चेंजेस होते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग आपसे पूछ सकते हैं व्हाई द चेंजेस इन सीजन कॉजेज ऑन अर्थ। सो ड्यू टू द रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, और ये भी पॉइंट लिख सकते हैं बिकॉज इट रोटेट्स ऑन अ टिल्टेड एक्सिस। नेक्स्ट प्लैनेट है मार्स, मार्स अर्थ के बाद आता है। इसके पास कितने मून है? टू मून है। इसको हम लोग रेड प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि ये थोड़ा रेडिश रेडिश दिखता है। ओके, बिकॉज इट इज स्लाइटली रेडिश इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? रेड प्लैनेट। नेक्स्ट है हम लोग का जुपिटर। जुपिटर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? बृहस्पति। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट, सब लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है? जुपिटर। ओके, इट्स मास इज 318 टाइम्स ऑफ अर्थ। मास मतलब होता है वेट, इसका वेट जो है अर्थ से 318 गुना ज़्यादा होता है। इसका साइज तो अर्थ से और भी ज़्यादा वो होता है, बट इसका डेंसिटी कम है, मतलब अर्थ पे जैसे लैंड है ये थोड़ा गैस वगैरह से बना हुआ है इसलिए इसका वेट जो है सिर्फ 318 ही है, वरना बहुत ज़्यादा होता। रोटेट्स वेरी रैपिडली, ये जो रोटेशन इसका टाइम है ये बहुत स्पीड में, अर्थ जैसे धीरे धीरे रोटेट कर रहा है ये बहुत स्पीड में रोटेट करता है, बट क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लैनेट है इसको टाइम लग जाता है। हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, इसके सैटेलाइट्स आई थिंक 7 या 8 मून होते हैं जुपिटर के पास, श्योर नहीं है, आप लोग गूगल कर सकते हैं या जो भी आप लोग देख के बताइएगा कमेंट में। हैज़ फेंट रिंग्स अराउंड इट, जुपिटर के पास भी रिंग्स होते हैं, मतलब सैटर्न जैसा हम लोग ये देखते हैं ना प्लानट, ये सैटर्न के पास रिंग्स होता है, जुपिटर के पास भी रिंग होता है बट बहुत हल्का होता है, लाइट होता है, दिखता नहीं उतना, ठीक है, बट होता है इसके पास भी। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट सबसे ब्यूटिफुल प्लानट सैटर्न। सैटर्न क्या होता है? येलोइशन कलर, थोड़ा थोड़ा येलो कलर का होता है विथ रिंग्स। इसका सबसे स्पेशलिटी क्या है? रिंग्स, इसके पास रिंग्स होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, सैटर्न के पास भी बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं। लीस्ट डेंस अमंग ऑल प्लैनेट्स, इसका ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी मीन्स उसका मोटापा, जैसे पानी हो गया, पानी बहुत पतला होता है, दूध क्या होता है? थोड़ा गाढ़ा होता है, ठीक है, और भी कोई और उससे भी ज़्यादा गाढ़ा कोई हो सकता है, उसी तरीके से डेंसिटी, इस प्लैनेट का डेंसिटी बहुत कम होता है, इसका डेंसिटी पानी से भी कम होता है, मतलब ये पानी से भी पतला प्लैनेट होता है। ओके, क्योंकि ये गैस वगैरह से बना होता है ये सब प्लैनेट। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट सैटर्न हो गया, यूरेनस एंड नेपच्यून। यूरेनस एंड नेपच्यून उतना कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट नहीं है लास्ट में, बट ये सबसे लास्ट का प्लैनेट होता है एंड कैन बी सीन ओनली विद द लार्ज टेलीस्कोप, क्योंकि इतना दूर होता है कि हम लोग नॉर्मल टेलीस्कोप से इसको नहीं देख सकते, सिर्फ लार्ज टेलीस्कोप से देख सकते हैं। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इसका भी इंपॉर्टेंट है कि ये किस तरह घूमता है, ईस्ट से वेस्ट में, अपोजिट टू अर्थ। सो दो तीन प्लानट हम लोगों ने देखे कि जो कि ईस्ट से वेस्ट में रोटेट करता है, कौन कौन सा था? ओके, ये था हम लोग के पास वीनस था, और एक यूरेनस और नेपच्यून भी आया, और भी शायद एक प्लानट था, बाद में देखते रहेंगे, अभी वीडियो लंबा हो रहा है। ओके, सो इस ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नेम द प्लैनेट्स विच रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सो ये आपको प्लैनेट्स के नाम लिखने पड़ेंगे, और ये हाईली टिल्टेड होता है, जैसे अर्थ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, नॉर्मल प्लैनेट ऐसे घूमता है, अर्थ कैसे घूमता है? ऐसे, ये प्लैनेट ऐसे घूमता है, उल्टा लगता है, रोल कर रहे हैं। ओके, इनका एक्सिस ऐसा होता है, सीधा होता है, ये ऐसे 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 घूमते हैं, हाईली टिल्टेड, एकदम हॉरिजॉन्टल भी नहीं बट बहुत ज़्यादा टिल्टेड होता है। सो इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। प्लैनेट्स हम लोग के ख़त्म हो गए। इसमें देखिए दो तरह के प्लैनेट्स हम लोग को मिले, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। टोटल हम लोग के पास प्लैनेट्स कितने? 8। तो इसको चार चार में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, एक हो गया इनर प्लैनेट, एक हो गया आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट में हम लोग आ गया मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। आउटर प्लैनेट में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। उन लोगों का कुछ कुछ फीचर्स होता है। इनर प्लैनेट का क्या फीचर होता है? फ्यू मून्स,
मून बहुत कम होता है। देखा था हम लोग मर्क्यूरी के पास कितने मून्स थे? जीरो, एक भी नहीं थे। वीनस के पास जीरो, एक भी नहीं। अर्थ के पास वन। सो इन लोगों के पास क्या होता है कि मून जो होता है बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, या मतलब या तो नहीं होता या तो एक दो होता है, ठीक है। और इनके पास आउटर प्लैनेट्स के पास लार्ज नंबर ऑफ मून। जुपिटर के पास कितने? सात आठ मून है, श्योर नहीं है एग्जैक्ट, बट ऐसे ही कुछ है नंबर ऑफ मून्स। और इनका एक स्पेशल होता है कि इनमें रिंग्स नहीं होता, बट आउटर प्लैनेट्स के सारे प्लैनेट्स में रिंग होता है, किसी का डार्क होता है, किसी का कम होता है। यूरेनस नेपच्यून का भी अगर आप देखिएगा फोटो तो उसमें रिंग्स बने होते हैं। अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, और कौन कौन से मेंबर हो गए? एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट्स वगैरह, उस सब के बारे में पढ़ते हैं। ओके ओके, सो सबसे पहला हम लोग का क्या चीज़? एस्ट्रॉयड्स। सो एस्ट्रॉयड्स क्या होता है? जो पत्थर स्पेस में तैरते रहते हैं उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? एस्ट्रॉयड्स कहते हैं। मेनली ये एस्ट्रॉयड्स कहाँ पाए जाते हैं? गैप बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, मार्स और जुपिटर के बीच में। आपको फोटो दिखाता हूँ, ये देखिए ये क्या है, ये मार्स है और ये क्या है जुपिटर। इन दोनों के बीच में ये जो गैप है, ये इतना सारा, ये आपको दिख रहा है ना, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का कुछ, ये ग्रेश ग्रे, ये क्या है? ये सारे एस्ट्रॉयड्स है, पत्थर के मतलब छोटे छोटे टुकड़े हैं, या पत्थर है ढेर सारा, ये तैरते रहता है। इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एस्ट्रॉयड्स पाए जाते हैं। सो लार्ज गैप बिटवीन मार्स एंड जुपिटर विच इज़ ऑक्यूपाइड बाई लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन नोन एज एस्ट्रॉयड्स। ये भी क्या करते हैं? सन से, सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट्स के साथ साथ, इनको एस्ट्रॉयड्स कहते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में। कैन बी सीन ओनली थ्रू लार्ज टेलीस्कोप, क्योंकि उतने दूर है जुपिटर के पास है, तो इनको हम लोग सिर्फ किस चीज़ से देख सकते हैं? लार्ज टेलीस्कोप से। ये देखिए, ये हो गया आपका एस्ट्रॉयड्स। नेक्स्ट आते हैं हम लोग के कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होता है? कॉमेट्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं पुचल तारा। तारा जैसा होता है, इसका ये पूछ जैसा होता है। यहाँ फोटो मैंने लगा, हाँ ये देख रहे हैं, ये इसका हेड होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसका टेल कहते हैं। ये जो होता है इसका, ये हो गया टेल। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। कॉमेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन वेरी लॉन्ग टाइम, ये सन के चारों ओर घूमता है बहुत लंबा समय लगाता है, ठीक है। अपियर एज अ हेड विथ लॉन्ग टेल, जैसा बताया एक हेड जैसा रहता है इसका, एक फिर लंबा सा टेल होता है। टेल ऐसा नहीं, उसका पूछ होता है, वो बस इतने फास्ट में जाता है, तो वो उसका हम लोग को, जिससे रॉकेट का भी छोड़ा है आसमान में दिवाली वगैरह में, तो उसका वो ऐसे लाइन करते हुए जाता है, इस तरीके से लाइन करते हुए, सॉरी, ये ऐसे रॉकेट उड़ता है तो वो लंबा सा लाइन करते हुए जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैसा ही लॉन्ग टेल इसमें दिखता है, बस होता नहीं है। लेंथ ऑफ टेल ग्रोज एज इट अप्रोचेज द सन, जैसे जैसे सन के पास जाता है इसका टेल का जो लंबाई है वो लंबा होते जाता है, पहले इतना था अब लंबा होते होते बहुत लंबा हो जाता है। टेल इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन, टेल जो होता है इसका सन से अपोजिट साइड में होता है, जैसे ये देख सकते हैं ये सन है, तो ये इसके पास अगर जाते रहता है जैसे, तो इसके अपोजिट साइड में टेल इधर है, ठीक है। सन ये है, ये कॉमेट हो तो इसका टेल इसके अपोजिट में होगा, इधर नहीं होगा टेल इसका, अपोजिट में होगा। दे अपेयर पीरियोडिकली वन सच कॉमेट, ये हमेशा एकदम लिमिटेड टाइम पे आते हैं कि हर 30 साल पे आएंगे, हर 50 साल पे आएंगे, हर जो भी है। तो इसमें एक बहुत फेमस कॉमेट है हेलीज कॉमेट, जो कि हर 76 साल में देखा जाता है। लास्ट कब देखा गया था? 1986 में। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो हेली कॉमेट जब जब आता है ये कुछ ना कुछ गलत चीज़ लेके आता है, मतलब बैड लक लेके आता है, डिज़ास्टर के, ये जब भी देखा जाता है तो कुछ ना कुछ तबाही होता है, ऐसा होता है, बट ये सब सुपरस्टिशन है, ऐसा कुछ रियल में नहीं होता है। नेक्स्ट आता है मीटियोर एंड मीटियोराइट्स। मीटियोर्स और मीटियोराइट्स क्या होते हैं? एक ही चीज़ होता है बस, वो उनका मतलब कैरेक्टरिस्टिक एक जगह जाके चेंज हो जाता है, देखते हैं। दे आर नोन एज शूटिंग स्टार्स, इन लोग हम लोग टूटता तारा कहते हैं, जो आसमान में हम लोग कहते हैं जिससे विश मांगना रहता है, टूटता तारा। ऑल्दो दे आर नॉट स्टार्स, एक्चुअली में ये लोग स्टार्स होते ही नहीं है, बट हम लोग कहते हैं टूटता तारा, ये लोग तारा होता ही नहीं है। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इंटर, बहुत सारे स्पेस में छोटे 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 ऑब्जेक्ट होते हैं ना, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस जाते हैं, जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसते हैं इनमें आग लग जाता है, गर्मी की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से आग लग जाता है। फ्रिक्शन पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब चैनल पर मेरे अपलोडेड है, वो भी देख सकते हो। ओके, सो इसको हम लोग शूटिंग स्टार कहते हैं, ये एक्चुअल में स्टार्स नहीं होते हैं।
और स्मॉल ऑब्जेक्ट जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस जाते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से वो हीट अप हो जाते हैं बहुत जल्दी से, और वो जलने के बाद जल के पूरा ख़त्म ही हो जाते हैं, अर्थ के सरफेस तक पहुँचे, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर, ये यहाँ घुसे, ये यहाँ यहाँ करते करते ये गायब, पूरा जल के ख़त्म, स्वाहा। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीटियोर्स कहते हैं। अब वेन लार्ज मीटियोर्स, जब बहुत बड़े बड़े मीटियोर क्या होते हैं, अर्थ के सरफेस किसी तरह पहुंच गए, ठीक है, सो सॉरी खांसी की वजह से वीडियो में आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, बट स्टार्ट कर दिए, ख़त्म करना पड़ेगा वीडियो को, ओके सॉरी। सो बहुत सारे जो बड़े बड़े मीटियोर्स होते हैं जो अर्थ के सरफेस पे बिना जले, बिना एवोपरेट किए हुए पहुंच जाते हैं, उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, मीटियोरॉइड्स कहते हैं। दे हेल्प साइंटिस्ट इन रिसर्चेस। अब मीटियोर्स जो होते हैं वो जब पहुंच जाते हैं अर्थ के सरफेस पे तो वो साइंटिस्ट के क्या हो जाते हैं, साइंटिस्ट लोग को वो मिल जाता है, मतलब उस पर एक्सेस हो, या साइंटिस्ट वो मतलब उस पर रिसर्च कर पाते हैं, कुछ स्टडी कर पाते हैं, ओके। सो लास्ट टॉपिक आर्टिफिशियल सैटेलाइट, दूसरे कलर से देखते हम लोग, यहाँ एक्चुअली आर्टिफिशियल, ओके सही है, ओके। सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मैन मेड सैटेलाइट होता है, इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है, मून वगैरह, वो इंसान नहीं बनाते, आर्टिफिशियल सैटेलाइट और मैन मेड, ये भी रिवॉल्व करते हैं अर्थ के चारों, एंड दे आर मच क्लोजर टू अर्थ सर्फेस। ये क्या होता है, अर्थ के, ये जैसे मान लो अर्थ है, ये है तुम्हारा मून, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता है, बट सैटेलाइट क्या होता है, इसके अर्थ के बहुत पास में ही रिवॉल्व करते रहते हैं, ओके। ये क्या करते हैं, सिग्नल वगैरह ट्रांसमिट करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा हम लोग को हेल्प होता है। दे आर यूज फॉर फॉरकास्टिंग ट्रांसमिटिंग टेलीविजन रेडियो सिग्नल, टेलीविजन वगैरह जो हम लोग देखते हैं उसका जो सिग्नल होता है इसी से आता है, हम लोग जो रेडियो सिग्नल वगैरह जो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉरकास्टिंग वगैरह, फॉरकास्टिंग मतलब वेदर, मतलब कि अगले दिन बारिश होगा नहीं होगा, ये हम लोग को जो पहले पता चल जाता है वो किस वजह से, सैटेलाइट की वजह से। एंड दे आर ऑल्सो यूज फॉर टेली कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग, जो हम लोग फ़ोन से बात कर पाते हैं एक दूसरे से, वो सब किस वजह से पॉसिबल है, सैटेलाइट्स की वजह से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट जो स्पेस में गया, क्या नाम था उसका, आर्यभट्ट। मोर इंडियन सैटेलाइट्स के नाम कुछ कुछ दिए हुए आप लोग याद कर सकते हैं, इनसेट है, INSAT, IRS है, कल्पना वन है, EDUSAT है, EDUSAT, जो भी है ये सब है। सो यहाँ पे चैप्टर होता है ख़त्म, ये हो गया हम लोग का, फोटो कुछ कुछ आप लोग देख सकते हैं कैसा होता है, सोलर पैनल लगे होते हैं, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सॉरी बहुत ज़्यादा आप लोग सच में फ्रस्ट्रेट हो गए मैं खांसी सुन सुन के, बट जिन लोगों ने लास्ट तक देखा है थैंक यू सो मच इतना पेशेंस दिखाने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइएगा, और चैनल के साथ बस बने रहें, ओके बाय बाय।